फ्रेंड्स हेलो, देखेंगे आपके पार्टनर के कारण फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है राइट नाउ। कलेक्टिव जनरल टाइमलेस है रीडिंग, जब भी देखोगे उस वक्त की एनर्जीज हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, द मून बॉटम पे है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग सिंगल है ठीक है, उन लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज के सपने देख रहे हैं ठीक है, और आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं ठीक है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी मैरिड है या किसी कनेक्शन में हैं, किसी और रिलेशनशिप में, उस तरह से यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपके बीच में जो थर्ड पार्टी है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ये उनकी लाइफ की थर्ड पार्टी भी हो सकती है कि अगर उनके लाइफ में कोई है आपके अलावा, तो ये वहाँ पर बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैं इन चीज़ों से बाहर कब आऊँगा या कब आऊँगी, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि कब तक उनको आपके साथ ऐसे ही हिडन चलानी पड़ेंगी चीज़ें। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, सोच आपकी भी हो सकती है, तो अपने अकॉर्डिंग लेना रीडिंग को। और जो लोग सिंगल है, अगर आप लोगों का एक कनेक्शन चल रहा था सीक्रेटली, तो फाइनली आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो चुके हैं, आपको एक स्टेबल ऑफर देने के लिए तैयार हो चुके हैं, आपके साथ आगे मैरिज करना चाहते हैं, इवन अपनी फैमिली से भी बात करना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं ठीक है। मैजिशियन, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। हाँ जी फ्रेंड्स, अगर आप अपने पार्टनर से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आपकी तरफ आ रही है। एंड अगर आप बिल्कुल ही अब डिटैच हो चुके हो, अपने पास के सारे रिलेशनशिप से मूव ऑन करके आगे बढ़ चुके हो, तो एक नया प्रपोज़ल मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है जो आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा। मे बी आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन की यहाँ पे एंट्री दिख रही है आप सभी की लाइफ में, जो एक स्पिरिचुअल सोलमेट है और आपकी सोल फैमिली में से है, और आपके साथ मिल के आपके सोल पर्पस पे काम करेगा एंड आपकी लाइफ में जितना भी डिप्रेशन एंजाइटी है उससे आपको बाहर निकालेगा। डिवाइन एक पर्सन आप लोगों की लाइफ में ऐसा भेज रहे हैं, वो आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, एज अ लवर आ सकता है, या एज अ बेबी भी हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी चीज़ डिवाइन आपको ऑफर कर रहा है जो आपकी लाइफ में आएगा, आपको एंजाइटी से बाहर निकालेगा, आपको आपकी पावर को रियलाइज़ कराएगा, आपको हील करेगा। तो डिवाइन आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भेज रहे हैं, और अगर आप ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं तो यस, आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। यहाँ पे कुछ लोग मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ठीक है, इंगेजमेंट मैरिज को, तो वो भी यहाँ पे मुझे होती हुई दिख रही है। मतलब आप मिलके साथ में एक टीम वर्क की तरह काम करने वाले हो अपने कनेक्शन पे। यहाँ पे अगर आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर उसको साइड में रख के आपको फुल सपोर्ट करना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं आपके लिए कि उनको आपको सपोर्ट करना है एंड आपका साथ देना चाहते हैं। फिलहाल तो ये है करंट एनर्जीज, देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या है उनका आपकी तरफ।
किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम पे है एट ऑफ वैंड। यस फ्रेंड्स, बॉटम के नीचे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन एक स्टेबल ऑफर लेके आपकी तरफ भागता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये आपकी तरफ आएंगे, आपको स्टेबल ऑफर देंगे और आप लोगों का जो है एक लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा और ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे, सोल लेवल की ग्रोथ मुझे दिख रही है। मे बी आपके पार्टनर जो हैं आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, 8 मिनट, 8 घंटे, 8 दिन के अंदर अंदर ये आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों की रीयूनियन हो सकती है अगर आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप कोई नया पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना डिवाइन से राइट नाउ, वो होने वाला है। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है यहाँ पे। वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है, जो जिस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है ना राइट नाउ, एक अगर मैं जनरली लूँ तो वो आपको मिलने वाली है, स्टेबिलिटी मिलने वाली है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है फ्रेंड्स, क्लेम दिस एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट होने वाली है आपकी कोई, और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाली है, ग्रोथ आने वाली है। तो ये है आज की एनर्जी। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।